प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, लाइक दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये डिलीशियस सी रेसिपी आपको और आपके फ्रेंड और फैमिली को भी ये मिलेगी रेसिपी। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैसे बनी है ये डिलीशियस यमी जूसी सी रेसिपी, चलिए चल के देखते हैं कैसे बनाया है मैंने ये आप लोगों के लिए। आज की जो ये रेसिपी है बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट और यमी सी बनने वाली है। आप जैसे कि देख रहे हैं ये कितनी जूसी यमी दिख रही है। तो कैसे बनाया है आइए चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी मिल्क लिया है और उसे मैं थोड़ा गाढ़ा कर रही हूँ। ये हाफ गाढ़ा हो चुका है तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दूँगी। मेरा 400 ग्राम्स का ये केन है तो मैं इसमें से हाफ डालूँगी। तो हाफ कंडेंस मिल्क मैं इसमें डालकर फिर इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी, गाढ़ा करूँगी। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। हाफ कटोरी शुगर में 1.5 कटोरी मैंने पानी लिया है और मिला ये सिरप तैयार किया है और कहां तक आ चुका है। मैंने उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, मैंने इसमें थोड़े से केसर मिलाया तो मुझे बहुत ही लाइट के धागे शुगर तैयार करना है। हाफ कटोरी चीनी में 1.5 कटोरी पानी का मेजरमेंट लीजिएगा और ये पतला सा सिरप तैयार कीजिएगा। करूंगी वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और मैंने यहाँ पे जिसमें मैं अपना ये बनाऊंगी डिश, उस डिश में मैंने इस तरह से ब्रेड को सेट कर लिया है कि मुझे कितना ब्रेड चाहिए, आपके डिश में कितने ब्रेड जाएंगे ये निचली सतह पे अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, उसी हिसाब से आप ब्रेड ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, उसके स्लाइसेस काट दें जो अच्छी तरह से ये फिट हो जाए। तो मैंने इस तरह से दो लंबे पीसेज में लिए हैं और तीन स्क्वायर पीसेज में ये ले लिया है और उसके कॉर्नर को एजेस को ब्रेड के एजेस को मैंने कट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैं ये पीसेस को फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद ऑयल मत लीजिएगा, घी लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वाद अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है तो अब मैं एक एक ब्रेड के पीसेस को इसमें फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, इतना ही रोस्ट करना है ताकि ये टूटे नहीं, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ कि हमारा ब्रेड सैगी ना हो जाए। जो मैं डिश प्रिपेयर करने जा रही हूँ ये अच्छी तरह से सेट रहे उसमें, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसमें हल्का सा मीठापन भी आ जाए इसलिए मैं ये शुगर सिरप में इसे कोट कर रही हूँ। मुझे बहुत देर शुगर सिरप में कोट करके नहीं रखना है, जस्ट डिप करना है और फिर मैं इसे डिश में अपने जो बना रही हूँ उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ये सेवैयाँ लिया हुआ है, अगर आपके पास पतली वाली है तो आप पतली वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मोटी वाली सेवैयाँ थी तो मैं इसी के साथ बना रही हूँ, पर स्वाद दोनों का इक्वल आएगा। अगर आपके पास पतली वाली है तो आप वो भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड सेवैयाँ लिया है 1 कटोरी जितना और मैंने इसे हल्का सा घी में फ्राई कर लिया था, ये ऑलरेडी रोस्टेड था लेकिन मैंने जस्ट टेस्ट के लिए घी में इसे फिर से फ्राई कर लिया था और 1 कटोरी जितना पानी डालकर मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। सेवैयों को चीनी डालने से पहले ही अच्छी तरह से आप इसे पका लीजिए, नहीं तो इसमें मीठा ऐड कर देंगे तो फिर ये अच्छी तरह से गलेगा नहीं, अंदर से ये हार्ड रह जाएगा। तो पानी डाल के आप इसे अच्छी तरह से सिंझा लें, ये जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर मैंने वो जो शुगर सिरप तैयार किया है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने जो शुगर सिरप तैयार किया है वो बहुत ही लाइट है, मैं बार बार बोल रही हूँ आप ज़्यादा मीठा मत बनाइएगा नहीं तो ये डिश आपका बहुत ही शुगरी हो जाएगा। तो मेज़रमेंट वही लीजिएगा, आप 1/2 कटोरी जितना ही लीजिएगा शुगर और 1.5 कटोरी जितना पानी लीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से जब गल जाएगा तो फिर मैं ये शुगर सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ और ये मैं पूरी अच्छी तरह से ड्राई कर दूँगी, ये गीला नहीं होना चाहिए। जब ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कितना ड्राई रखा था। तो अब इसमें से पूरा शुगर सिरप ड्राई हो चुका है, ये अच्छी तरह से गल भी गया है, आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने ये लाइन कर दिया है अपने ब्रेड को और मेरा ये तैयार हो चुका है गाढ़ा मिल्क भी। तो मिल्क मैं इसमें जब पोर करूँगी तो ठंडा नहीं होना चाहिए, तो उसे मैंने हल्का सा गर्म करके फिर मैंने ब्रेड पर वो मिल्क डाला था गाढ़ा वाला, उसके बाद अब मैं
सेवैयाँ इसके ऊपर लाइन कर रही हूँ। तो पहले आप वो मिल्क डाल दीजिएगा, उसके बाद से फिर सेवैयों का एक लाइन बनाइएगा। अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर दें। इसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर इस गाढ़े वाले मिल्क को डालूंगी जो मैंने मिल्क और कंडेंस मिल्क के साथ बनाया है। तो इसको मैं फिर से अच्छी तरह से डैप कर दूंगी, पूरी तरह से इसे कवर कर दूंगी। और कवर करने के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल के आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, कुछ भी जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे ये कोकोनट लिया हुआ है, मैं कोकोनट से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। ये रोस्टेड कोकोनट है, पाउडर है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूंगी। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर, जो आपको और आपके बच्चों को पसंद है वही ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालिए। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, कितना यम्मी दिख रहा है। हाँ ये तैयार तो है लेकिन हम अभी इसे नहीं खाएंगे। ये कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड होने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से पूरा चिल्ड हो जाए फ्रिज के ऊपर वाले लेयर पर रखिएगा, ऊपर वाली जो सबसे सतह होती है फ्रिज में उसमें रखिएगा, जो अच्छी तरह से इसे चिल्ड कर दे। तो ये जब चिल्ड हो जाएगा तो मैंने इसे निकाला था और मैंने इस तरह से इसके पीसेस कर दिए हैं। और अब मैं आपको एक पीस निकाल कर सर्व करके दिखा रही हूँ। जरा देखिए इसे, वाओ, इसमें से इतना जूसी है ये, इतना टेस्टी लग रहा है दिखने में, खाने में ये उससे भी ज़्यादा यमी था। सो यमी, सो डिलिशियस। तो चलिए मैं ही इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा बना था ये। तो ये देखिए मैं एक बाइट इसका निकाल रही हूँ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक दीजिएगा। लाइक देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने कुछ अच्छा रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। तो लाइक दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ताकि उन्हें भी अच्छी रेसिपी मिले और अच्छा सेहतमंद कुछ टेस्टी सा खाने को मिले। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आपके साथ नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।